सबसे यूनिक चीज भैया के पास ये है, आप देख सकते हो ये क्या है, कछुआ है ये तो आपको पता ही है, लेकिन सबसे अलग है, आपने देखा नहीं होगा, ये मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। पार्ट्स लगवाने हैं तो मैं आपके लिए आया हूँ एक शॉप पे, तो यहाँ पे जो है भैया के पास जो है फिश भी मिलेगी और हर तरह के पेट्स मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगे, जो पैरट होते हैं, तोते बोलने वाले भी हैं, और छोटे छोटे तोते, विदेशी बर्ड्स यहाँ पे सारे अवेलेबल मिलेंगे। तो गाइस वीडियो पे बने रहें, आज की वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं आपको यहाँ पे सारी फिशेस दिखाऊंगा जो अलग अलग नस्ल की होती हैं, और जो बर्ड्स हैं वो विदेशी बर्ड्स होते हैं, जो पैरट अलग अलग कलर में, जो छोटे छोटे भी होते हैं और बड़े बड़े भी पैरट्स होते हैं, पहाड़ी तोते तो आपने देखे ही होंगे, वो सब अवेलेबल है यहाँ भैया पे। तो सबसे पहले यहाँ की लोकेशन की बात करूँ तो दोस्तों ये जो लोकेशन है ना, तो यहाँ पे मौजपुर का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप 10 रुपये दे के भैया की शॉप पर आ सकते हो यहाँ। और तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जो भैया की शॉप है ना वो कुछ इस तरीके की रहने वाली है, और देखिए भैया के पास जो है सारी फिशेस मिलेंगी, और ये देखिए गाइस यहाँ पे भैया के पास तोते हैं छोटे वाले, इनका नाम तो मुझे पता नहीं है, और जो मैं भैया से है ना अभी पूछूँगा इनका नाम क्या है, और जो कितने रुपये का एक पेयर पड़ेगा और एक पीस कितने का पड़ेगा, तो कोशिश करते हैं चलिए भैया से बात करने की। तो कैसे हो भैया? और सब ठीक है भैया? आपका नाम? अनीस। तो भैया का नाम अनीस है। तो भैया जो आपके पास फिशेस दिखा दीजिए पहले, जो नई नई आई हुई हैं। तो गाइस ये जो है ना इनके भैया के पास जो है सबसे बड़ा साइज है इन वाली फिशेस होगा, जो भैया कौन सी नस्ल की है वाली? ये भाई इसमें मिक्स ब्रीड है। मिक्स ब्रीड, अच्छा। इसमें ये पैरेट है, हाँ, ये शॉर्ट बॉडी है, अच्छा, ये जॉइंट गुरामी है, अच्छा, ये पिंपल बार है, अच्छा अच्छा। तो भैया इसमें जो है सबसे महंगा जो पेयर है वो कितने का, कौन सा वाला पड़ेगा सबसे महंगा भाई? ये पड़ेगा ये वाला। ये नाम क्या बताया था आपने? जॉइंट गुलामी। अच्छा, नाम भी तो देख सकते हो गाइस अलग है एकदम, और देख गाइस देखिए इन पर काफ़ी अलग अलग तरह की जो है फिशेस हैं, हाँ, इन सबों की जो नस्ल है भी भैया ने हमें बता दी है, और भी इनके पास जो है नीचे देख सकते हो, ये देखिए काफ़ी अलग अलग कलर में है, वाइट कलर में मिल जाएगी, रेड कलर में मिल जाएगी। और ये वाली कौन सी नस्ल थी भैया? ये भाई सॉक्ट है। सॉक्ट, अच्छा। इसमें जो है सारी एक ही नस्ल है? नहीं, इसमें भी अलग अलग है। इसमें भी अलग है। तो आपके पास जो है भैया कितनी वैरायटी मिल जाएंगी फिशेस में? 60 वैरायटी होंगी। कौन कौन सी वैरायटी होंगी सारी 60ों का नाम? हाँ, उनमें से जो है कुछ ब्राइट जो ऊपर लेवल की जो वैरायटी है उनका नाम बता सकते हो भैया थोड़ा? पैरेट हो गई, ऑस्कर हो गई, शॉर्ट बॉडी हो गई, सिंपल वार हो गई। अच्छा, तो जो इनके जो प्राइस भी होंगे वो भी ज़्यादा हाई होंगे? हाँ, हाई प्राइस की होंगी ये तो। अच्छा, तो कोई नहीं, और देखते हैं, और गाइस कोशिश करते हैं और दिखाता हूँ। देखिए गाइस इनके पास जो है सबसे स्मॉल साइज़ में जो फिशेज हैं ये वाली है, ये कितने का पेयर पड़ेगा भैया? पेयर ही आता है या? भाई पेयर ही आता है, आपको पड़ेगा 50 रुपये पेयर। 50 रुपये का पेयर पड़ेगा। तो देख सकते हो गाइस इतने छोटी छोटी फिशेज हैं इसमें, देखिए आपको तोता ही कलर मिल जाएगा, रेड कलर भी है, ब्लू कलर भी है, और गाइस काफ़ी सारे कलर हैं भैया के पास। और गाइस देखिए ये जो है ना आप देख रहे होगे जो इस गिलास में जो है एक फिश क्यों है, वो भी इसका भी एक कारण है। तो आप देख सकते हो ये जो वाइट है ना, तो इसमें जो है इन्होंने फिश ने जो है अंडे दे रखे हैं काफ़ी सारे, आपने कभी देखा नहीं होगा फिश के अंडे, और जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ देखिए गाइस ये एक ही फिश भैया ने जो है इसी वजह से इसमें रख रखी है, इन फिश ने जो है अंडे दे रखे हैं इसमें से। भैया कितने दिन बाद निकलेंगे ये अंडे? भैया निकल जाएंगे 18 दिन में। 18 दिन में निकल जाएंगे? अच्छा, ये जो अगर फिश जो देती है अंडे तो 18 दिन में मतलब निकल जाते हैं? अच्छा, तो आप जो है इनके कितने दिन रह गए होंगे? इनके भाई अभी 4 दिन हुए हैं।
अच्छा अभी 4 दिन हुए हैं तो बाकी के 20 दिन तो रह रहे हैं, 14 दिन और रह रहे हैं, 14 दिन रह रहे हैं। तो देख सकते हो गाइस, कोशिश करूंगा 14 दिन बाद आके आपको दिखाऊं फिर से। तो 14 दिन बाद जो है इसमें से बच्चे निकल के आएंगे। और देखते हैं गाइस, भैया के पास जो है काफ़ी सारे माल हैं। भैया जो है इनकी मेडिसिन भी देते हैं, फूड भी देते हैं। यहाँ पे जो है सारा सामान अवेलेबल है, फिश का और पेट्स का। अगर आपने भी जो फिश पाल रखी है तो आप देख सकते हो भैया के पास जो है गिलास के अंदर जो सजावट का सामान होता है वो सारा इनके पास मिल जाएगा। बात करेंगे भैया से अभी। तो भैया आपके पास जो है मतलब पेट्स का सभी सामान अवेलेबल है, फूड वगैरह सब मिलेगा, सब मिल जाएगा। और अगर कोई घर बैठे मंगाना चाहे पैरट या फिश वगैरह, फिश या टटल वगैरह टोटल, तो मंगा सकता है वो कोरियर द्वारा, होम डिलीवरी सब अवेलेबल है। तो देख सकते हो गाइस, भैया का जो एड्रेस है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगा, तो आप घर बैठे भी आप मंगा सकते हो फिश पैरट वगैरह, बस आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा उस चीज़ का। तो और देखिए सबसे यूनिक चीज़ भैया के पास ये है, आप देख सकते हो ये क्या है, कछुआ है ये तो आपको पता ही है, लेकिन सबसे अलग है, आपने देखा नहीं होगा, ये मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। तो देखिए गाइस, ये वीडियो में देख रहे होगे आपको नकली लग रहा होगा, लेकिन देखिए हिलता हुआ तो दिख रहा है तो असली है ये। तो देखिए गाइस, तो बात करेंगे इसके बारे में, पूछते हैं कौन सी नस्ल है। सलकाटा। तो ये कितने रुपए का पड़ेगा वैसे? ये भाई 20,000। 20,000 रुपए का पड़ेगा। अच्छा, आप कुछ खास बात इसमें जो 20,000 का है? ये भाई ये मिलती नहीं है। अच्छा, अच्छा तो देखिए भैया कहना ये चीज़ मतलब कहीं पे भी मिलेगी नहीं आपको इतनी जल्दी, दिखाई नहीं देगा। और जो इसकी आप डिज़ाइन देख सकते हो, देखिएगा एकदम अलग ही डिज़ाइन देख रखा है, गोल्डन कलर है और ब्राउन कलर इस पर दे रखा है, तो ऐसा लग रहा है इस पर डिज़ाइन कर रखी है, लेकिन ये ना कुदरती डिज़ाइन है दादा। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ एकदम, ये देखिए हिलता हुआ, कुदरती डिजाइन है गाइस ये पूरी। और भैया जो आपके पास कछुए हैं वो मतलब कितनी नस्ल में मिल सकते हैं वैसे? भाई 4-5 नस्ल मिल जाएगी। अच्छा, 4-5 नस्ल जो है भैया के पास मिल जाएगी, आप ऑर्डर करिए आपको मिल जाएगी। और हाँ, डॉग वगैरह सब मिल जाएंगे मुझे? डॉग भैया रखते हैं आपको लेकिन मिल जाएंगे। अच्छा, डॉग्स वगैरह सब अवेलेबल है भैया के पास, मिल जाएंगे। हाँ, तोते वगैरह पैरट लीजिए। और फूड के बारे में कुछ बताओगे भैया? हाँ, मतलब ये टर्टल जो है खाते क्या होंगे भैया? आपको जो मैं अभी दिखाया था ये खाता है खीरा। अच्छा, ये पालक पत्ती खाता, पालक वगैरह सब खा लेगा। फूड वगैरह तो सब मिल ही जाता है आपके पास, अगर आपके अगर फिश वगैरह जो भी लेंगे तो उसका फूड भी आपके पास अवेलेबल तो मिलेगा ही, वो आप दे ही दोगे। ये देख सकते हो ये जो है कौन सी नस्ल है? ये भाई लब्बड़ है। ये भैया ये गाइस लब्बड़ नस्ल है, विदेशी नस्ल है। विदेशी है ना भैया? हाँ, विदेशी नस्ल है ये, देख सकते हो। इसका भैया कितना, एक पेयर कितने का पड़ेगा ये भाई? 2200 रुपये का। 2200 रुपये का एक पेयर? तो गाइस देख सकते हो 2200 रुपये का एक है पेयर, ये तो अलग ही है, यूनिक एकदम ये जो है। और देखिए गाइस, और नीचे है भैया के पास। भैया इसका क्या प्राइस पड़ेगा एक पेयर का? 500 रुपये पेयर। ये 500 रुपये पेयर पड़ेगा, एक ही नस्ल है ना भैया? ये तो ये नस्ल अलग है। इसमें कितनी नस्ल मिलेंगी? ये भाई ये है बजरी तोते। अच्छा, बजरी तोते जी। तो भाई देख सकते हैं बजरी तोते हैं। और देखते हैं भैया के पास जो है वाइट कलर। भैया ये जावा है। अच्छा, आसमानी कलर में वाइट वाला जी। तो ये गाइस देख सकते हो ये जावा है नस्ल इसकी। ये एक पेयर 2200 रुपये का बताया था आपने? ये वाला 1500 रुपये का। ये वाला 1500 रुपये का पड़ेगा। लब्बड़ है 2200 रुपये का। अच्छा, लब्बड़ वाला जो नस्ल है वो आपको 2200 रुपये का पड़ेगा। और भैया जो इसका फूड के बारे में बात करूँ तो क्या खाते होंगे ये? भाई कंगनी। कंगनी तो फूड का नाम जो है कंगनी है, बाकी और बाजरा वगैरह तो सब खा लेते होंगे। अच्छा, और जो है भैया के पास देखिए वाइट कलर के चूहे भी हैं, तो इनके प्राइस की बात करूँ भैया कितने का होगा ये एक पेयर? 300 का पेयर। 300 रुपये का पेयर पड़ेगा। अगर एक पेयर लेते हैं तो कितने का पड़ेगा भैया? 300 रुपये का एक पेयर। एक अगर एक पीस चाहिए होगा तो भैया किसी को? 150 रुपये। तो 150 रुपये का एक पड़ेगा, और दो लोग लेते हो तो वो 300 रुपये का पड़ेंगे। तो काफ़ी बड़े साइज़ में भी हैं देखिए भैया के पास। भैया जो मैंने बाहर मतलब आते समय देखा था, मैंने खाली गिलासेस रखे थे, तो आपके पास खाली गिलास भी मिल जाते हैं क्या फिश वगैरह रखने के लिए, और पैरट वगैरह डॉग वगैरह रखने के लिए जो गेज होते हैं वो भी मिल जाते हैं?
अच्छा देखिए गाइस, भैया के पास जो है ये चीज़ भी मिल जाती है खाली, अगर आपको अपने डॉग के लिए चाहिए, पैरट वगैरह के लिए चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। और भैया से बात करते हैं, भैया ये जो है कितने किस साइज़ में मिल जाते हैं तुम्हारे पास? ये भाई नॉर्मल आपको 5 फुट में मिल जाता है। नॉर्मल जो है भैया के पास 5 फुट से स्टार्ट है। प्राइस कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? सबके अलग अलग। अच्छा सबके अलग अलग प्राइस हैं भैया, प्राइस तो बता नहीं सकते। और आप देख सकते हो एक्टिव रहेगी थोड़ी, कैट भी मिल जाती है। देखिए गाइस, भैया के पास कैट भी अवेलेबल है। तो ये कौन सी नस्ल है भैया? ये भाई पर्शियन है। पर्शियन नस्ल है। तो देख सकते हो गाइस कितनी क्यूट बिल्ली है ये, देखिए आप। इसका जो प्राइस है भैया वो कितने का होगा? ये भाई मान के चलो 12,000 रुपये। हाथ में ऊपर ले लो ये भाई, 12,000 रुपये। अच्छा 12,000 रुपये की पड़ेगी। जो इसका अगर अब हम जोड़ा लेंगे, पेयर लेंगे, वो कितने का पड़ेगा? 20,000 रुपये का। तो गाइस देख सकते हो ये बेटा इधर आ। तो गाइस ये देख सकते हो 20,000 रुपये का जो पेयर इसका पड़ेगा कैट का। और इसका जो है गेज वगैरह सब कुछ मिलता है भैया के पास, ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। ये देखिए फूड भी है भैया के पास अवेलेबल यहाँ पे। तो इसका प्राइस कितना होगा भैया? भाई इसका प्राइस 350 रुपये। देखिए गाइस यहाँ 350 रुपये का आपको ये मिल जाता है 1 किलो का। हाँ इससे कोई हल्का भी मिलता है क्या? अच्छा तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भैया का जो है मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे लिए इतना इन्होंने टाइम निकाला और आप लोगों को भी बताया और मेरे को भी बताया इन प्राइस वगैरह जो भी हैं सब। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करके बताना कैसी लगी। और कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं भैया का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और यहाँ का एड्रेस जो है लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप विज़िट करिए। भैया के पास होम डिलीवरी अवेलेबल है और कोरियर वगैरह अवेलेबल है, आप जो है बात कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।